नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बताते चले कि त्योथर तहसील के त्योथर नगर परिषद में हल्का पटवारी रहते रामानुज दीपाकर द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कीमती जमीन पर भवन निर्माण कार्य करा दिया गया। आखिरकार ऐसे पटवारी को किसका संरक्षण प्राप्त है? गरीब परिवारों के आसियाने को उजाड़ने का कार्य SDM तहसीलदार त्योथर द्वारा तो किया जा रहा है, किंतु राजस्व कार्यालय के द्वारा कब्जा किए गए सरकारी जमीन से RI और अब दूसरे हलका में पदस्थ पटवारी को बेदखल कब किया जाएगा, यह तो वक्त ही तय करेगा। आराजी नंबर 45132 पर रकवा 0014 हेक्टेयर भूमि खरीदा गया था। उसी आराजी नंबर के ठीक सामने मध्य प्रदेश शासन की भूमि लगी थी, जिसमें पूर्व में पदस्थ हलका पटवारी द्वारा स्वयं सीमांकन किया गया था। उसी से लगी पुरानी रोड को मध्य प्रदेश शासन हलका पटवारी रामानुज दीपाकर द्वारा बताया गया था। बाद में उक्त जमीन को अपने कब्जा में लेकर गैर कानूनी तरीके से भवन निर्माण किया गया। ऐसे हलका पटवारी रामानुज दीपाकर के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, यह तो वक्त ही तय करेगा। यदि सही तरीके से निष्पक्ष जांच हो जाए तो हलका पटवारी रामानुज दीपाकर द्वारा सरकारी जमीन पर भवन निर्माण कार्य की पोल खुलती नजर आएगी।